हाय गाइस, व्हाट्स अप, इट्स फहद यार बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बिल्कुल छोटा सा। सो इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा आईपी ट्रैकर, आईपी लुकअप, कुछ भी बोल सकते हो। और ये प्रोजेक्ट हम सिर्फ HTML, CSS एंड JavaScript के थ्रू बनाएंगे, यानी सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। सो या लेट्स बिल्ड इट। सो अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं। सो आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, और आप गूगल पे भी अपनी आईपी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस पता करना है तो इस तरीके से आप अपने आईपी एड्रेस को ट्रैक कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती है आईपी लुकअप वगैरह की। सो इसी का हम एक वर्जन बनाएंगे। इस वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, फन प्रोजेक्ट रहेगा। सो हम ये बनाएंगे। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हम बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आईपी को डायरेक्टली ट्रैक नहीं कर सकते। हमको एक सर्वर चाहिए, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है हमको उसकी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर मिलेगी, तभी हम उसका आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। और अभी हम फिलहाल बैक एंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट एंड पे इसको बिल्ड करना चाहते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो हमको एक API यूज़ करना पड़ेगा। आप कोई भी API यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में जो मैं API यूज़ करने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल API है, मेरे को स्टैक ओवरफ्लो पे से मिल गया था। ये और भी APIs अवेलेबल है ऐसे, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो API का जो URL है वो ये है, ipapi.co/json json। तो हम ये यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एडिटर जो है वो है VS Code। तो अगर आपके पास नहीं है ये, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लेना विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको मिल जाएगा। और मैं इसके अंदर एक एक्सटेंशन यूज़ करने वाला हूँ लाइव सर्वर नाम से। सो अगर आपके पास वो नहीं है तो वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंशन का आइकन बना है, इस पर क्लिक करके अगर आप यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करोगे तो देखिए आपको ये लाइव सर्वर मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना, क्लिक करके यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देगा, उस पर इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर बाय रिटविक डे। सो ये इंस्टॉल कर लेना, एंड नाउ वी आर रेडी टू बिल्ड आवर प्रोजेक्ट। सो यहाँ अभी मैं फाइल्स में आता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन फोल्डर, एंड मैं अपने डेस्कटॉप पे जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड लेट्स नेम दिस व्हाट आईपी लुकअप प्रोजेक्ट, दैट्स नाइस। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये अपने VS कोड में ओपन हो जाएगा। सो ये ओपन हो गया, एंड देन हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। कहाँ गई फाइल, क्या हुआ, क्रिएट नहीं हुई या मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है? ओके, हो गई, क्रिएट हो गई फाइल। सो फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हमारा जो नॉर्मल बॉयलर प्लेट होता है HTML का, वो इंक्लूड कर लेते हैं। कम ऑन मैन, व्हाई यू आर सो स्लो, आ जा ऑटो कंप्लीट, आ जा एमेट वर्क कर। ओके, आ गया, टाइम लग रहा है। सो हमारी HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। इसको मैं क्या करूँगा, अब जो हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था उसके थ्रू मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा इस वेब पेज को HTML के। सो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा गो लाइव का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ब्राउज़र में इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका वेब पेज। और एक चीज़ से ओपन कर सकते हो आप, अपने HTML पेज पर राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन दिखेगा। सो वो भी कर सकते हो, या तो आपकी HTML फाइल पर भी राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ओपन विथ लाइव सर्वर दिख जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, हम अगर कोई भी चेंजेस करते हैं हमारे HTML में तो हमको बार बार जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं इधर एक H1 क्रिएट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, सेव एंड जाके यहाँ जाता हूँ, तो देखिए मेरे को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा, अपने आप रिफ़्रेश हो गया और मेरा जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। सो हमने HTML की फ़ाइल तो क्रिएट कर लिया है। सो एक CSS की भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं हमारी स्टाइलिंग के लिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ style.css। सो इसको नाम दे दिया मैंने style.css। ओके, और यहाँ पे उस स्टाइल शीट को हम लिंक भी कर लेते हैं लिंक टैग के थ्रू। अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तो मैंने पिछले वीडियोस बनाया हूँ, आप वो जाके भी देख सकते हो। सो उसका भी लिंक मैं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो यहाँ पे हम इसको लिंक कर लेते हैं अभी। अभी ये फ़िलहाल सेम फोल्डर में ही है हमारी स्टाइल शीट। सो स्टाइल शीट को लिंक इस तरीके से कर लेते हैं। सो स्टाइल शीट लिंक हो गई, और हमको एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी चाहिए रहेगी। सो
जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को भी फ़िलहाल ही क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम मैं दे देता हूँ ऐप जे एस। अभी तक मैंने कोई जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं डाला हूँ अपने चैनल पे, आगे डालूँगा। बट आई होप आपको पहले से थोड़ा बहुत बेसिक्स आता होगा। नहीं भी आता होगा तो कुछ यहाँ पे हम ज़्यादा टफ नहीं करने वाले हैं, सो इट्स ओके। सो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी हमने क्रिएट कर लिया है, इसको भी हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। इसको सोर्स दे देते हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम था ऐप आओ डॉट जे एस, लिख रहा हूँ मैं ऐप डॉट जे एस, इसको नाम दे देते हैं। एंड देन हमें नॉर्मल फॉन्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, सो हम गूगल फॉन्ट्स ले लेते हैं, कोई एक अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं। हमको नॉर्मल एच टी एम एल के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ गूगल फॉन्ट्स पे आ जाता हूँ। गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट लोड हो जा, कम ऑन, एवरीथिंग इज़ सो स्लो टुडे। सो यहाँ पे एक अच्छा फॉन्ट, लेट्स टेक, और कम ऑन यार लोड हो जा। ओके यहीं पे है जो फॉन्ट मुझे चाहिए, मॉन्ट सेराट, इस फॉन्ट को हम ले लेते हैं। कम ऑन यार लोड हो। One eternity later. ओके अब जाके लोड हो गया, थैंक यू वेरी मच लोड होने के लिए। सो यहाँ से मैं कौन सा फॉन्ट ले लूँगा, एक ये रेगुलर वाला ले लेते हैं और एक मीडियम ले लेते हैं। एंड देन इसको हम अपने एच टी एम एल में जाके लिंक कर देंगे। सो लेट्स कॉपी दिस लिंक टैग फ्रॉम हियर एंड देन गो इन आवर वी एस कोड। एंड देन इस फॉन्ट्स को हम अपनी स्टाइल शीट से पहले लिंक करेंगे, तो हमको उस फॉन्ट का एक्सेस हमारी स्टाइल शीट में मिल जाएगा। सो या लेट्स सेव इट, और आई गेस अभी हमको बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो क्या होगा हमारे क्या बोलते हैं ऐप में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हमको डिस्प्ले करना होगा आईपी एड्रेस, एंड देन एपीआई हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या क्या उसमें से शो करना है। तो मैं उसमें से लोकेशन शो कर देता हूँ एंड लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बनाना। सो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, आप सेक्शन टैग भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ एक नॉर्मल सा। इसको नाम एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे, मेन कंटेनर। सो लेट्स नेम इट मेन कंटेनर। एंड देन ये मेन कंटेनर के अंदर लेट्स सी, मैं फ़िलहाल एक सिर्फ एक एच टू ले लेता हूँ। एच टू के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई पी एड्रेस, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ओके ये बाहर चला गया, यहाँ पे इसको एक आईपी एड्रेस लिख देते हैं। एंड देन एक और एक एच टू ले लेता हूँ मैं, एच टू, इसमें मैं लिख देता हूँ लोकेशन। यहाँ पे हम लोकेशन डिस्प्ले करेंगे यूज़र की, यहाँ पे एक हाइफ़न डाल देता हूँ फ़िलहाल ब्लैंक के लिए। एंड देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे और ऐड कर देंगे। इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ आईपी डिस्प्ले, और यहाँ पे इसको एक क्लास दे देता हूँ लोकेशन डिस्प्ले। सो यहाँ ये दोनों को एक क्लास दे दिया, अभी हम यहाँ आके देख लेते हैं हमारा। ओके ये यहाँ पे आ गया है। एंड हमको एक बटन भी चाहिए होगा, सो एक बटन भी ले लेते हैं यहाँ पे। बटन में लिख देते हैं क्या लिखते हैं, लुकअप आईपी लिख देते हैं। सो यहाँ पे लुकअप आईपी लिख दिया, एंड ये आर वी आर वी हैव द बटन। सो ओके अभी अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, फ़िलहाल बहुत बोरिंग लग रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं हमारी स्टाइल शीट में जाके। सबसे पहले सब कुछ रिमूव कर देते हैं, तो आपको ये सेलेक्टर पता होगा जिससे सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती है। सो कुछ मतलब सीएस को रीसेट कर देते हैं, कुछ मार्जिंग पैडिंग वगैरह निकाल लेते हैं, एंड इसकी बॉक्स साइजिंग सेट कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। ओके सो ये हो गया। एंड मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कुछ और करना है, सो मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ फ्लैट यूआई कलर्स से। लेट्स सी, कोई भी कलर पिक कर लेंगे हम, इस कलर पैलेट में चले जाता हूँ। ओके आई लाइक दिस कलर, ये कलर ले लेते हैं। सो ये कलर लेने के बाद ये कलर को मैं बॉडी पे दे देता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये कलर, लेट्स सी। ओके ठीक है, अच्छा है ये कलर रहने देते हैं। और मैंने ये मार्जिन्स वगैरह भी निकाल दिया है, आप देख सकते हो। सो ओके ये कलर ले लिया है, और अभी मुझे इसको सेंटर करना है, यहाँ पे नहीं रखना है मुझे इसको साइड में, तो मुझे इसको सेंटर में लाना है। सो सेंटर में लाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये लोग को फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू कर लेता हूँ सेंटर में। आप और भी तरीके से सेंटर कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से।
मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम्स आल्सो सेंटर सेव, लेट्स गो सी। ओके, मुझे अपना फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना है, फ्लेक्स व्हाट डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन एंड आई वांट इट टू बी कॉलम, सो ये कॉलम हो जाएगा। ओके, सो अभी एक के नीचे एक आ गए हैं, देन और क्या करना है? ओके, ये बीच में नहीं आया है, सो लेट्स सेट अ हाइट। इसकी अभी हाइट फ़िलहाल बॉडी के कंटेनर जितनी है, इसीलिए उतना वो नीचे नहीं आया। सो यहाँ पे लेट्स सेट अ मिन हाइट, व्हाट क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, ये मिन हाइट 100 BH। सो ये आ गया बीच में, दैट्स नाइस। सो आई गेस मेरे को यहाँ पे इस एच इन दोनों H2s की हाइट थोड़ी बढ़ा दे, मतलब फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। सो फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा दें, और मैंने फॉन्ट फैमिली भी नहीं दिया, हमने जो फॉन्ट इंपोर्ट किया ये वाला मॉन्टेसराट जो भी है, मॉन्टसेराट वॉट एवर, सो इसको मैंने यहाँ पे CSS में नहीं दिया अभी तक। सो हमारे बॉडी टैग में आके ये फॉन्ट दे देते हैं एंड यहाँ आके देखते हैं। ओके, फॉन्ट चेंज हो गया, मच बेटर, दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस। सो अभी देखते हैं हमको क्या करना था, भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में क्या कर रहा था, वॉट ये हमें फॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा था। ओके, सो फॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, किसका चेंज करना है मुझे, आईपी डिस्प्ले लोकेशन डिस्प्ले का मुझको फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। सो आईपी डिस्प्ले को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, आईपी डिस्प्ले एंड लोकेशन डिस्प्ले एंड इसकी फॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज़ मैं रैम्स में दूंगा। सो मैं यहाँ पे कैल्क फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो मैं कितना दूंगा यहाँ पे, दे देता हूँ आई गेस 4 RAM + 1 view width एंड देन लेट्स सी। ओके, ये शायद ज़्यादा बड़ा लग रहा है थोड़ा, सो 3 RAMs, ओके ना 3 RAMs भी थोड़ा बड़ा है, 2 RAMs आई गेस दिस विल डू फॉर नाउ, लेट्स सी आगे जाके अगर हमको चेंज करना हो तो चेंज कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इसीलिए लग रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट ही बहुत छोटा सा है, पेज पे हम एक ही चीज़ रख रहे हैं सिंपल सी इसीलिए। और चलिए यहाँ पे बटन को भी एक क्लास देते थे, बटन को हमको इतना सड़ा हुआ अगली नहीं रखना है, ये डिफ़ॉल्ट लुक बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। सो इसको हम क्लास दे देते हैं लुकअप BTN यानी बटन। सो यहाँ पे आके CSS में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लुकअप BTN एंड पहले तो मैं उसके अगली बॉर्डर्स को हटा देता हूँ, सो बॉर्डर नन, देन व्हाट एल्स वी शुड डू, बॉर्डर हटा दिया, देन वी शुड सेट अप बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड में कोई एक अच्छा कलर चाहिए मुझे आई गेस मिडनाइट ब्लू, लेट्स सी मिडनाइट ब्लू कलर सेव ना, मिडनाइट ब्लू इज़ नॉट गुड, मेरे को ब्लैक कलर ही चाहिए, लेट्स सी ये ले लेते हैं, इसको ये कलर सेट कर देते हैं एंड देन यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज़ मच बेटर, बस मैं इसका अंदर का फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ टू वाइट। ओके, इसका कलर चेंज हो गया टू वाइट, मच बेटर, देन मैं इसको ये फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसकी फॉन्ट साइज़ आई गेस 1.5 RAM शुड बी इनफ, लेट्स सी। ओके, दिस इज़ गुड एंड मैं इसका फॉन्ट वेट भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट वेट 500, लेट्स सी। ओके, इट्स ऑल राइट बट नॉट दैट गुड, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। ओके, दिस इज़ मच बेटर, और मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर लेता हूँ, लेट्स ऐड सम पैडिंग इन हियर, पैडिंग शुड बी टॉप एंड बॉटम 1 RAM एंड लेफ्ट एंड राइट 2 RAMs, लेट्स सी हाउ दैट लुक्स। ओके, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट ठीक है, ओके चेंज कर देते हैं इसको, ये 1 RAM ओके है, नहीं इसको 1.08 दे देते हैं, यहाँ पे 1.5 देते हैं। ओके, ये थोड़ा ठीक लग रहा है एंड मैं इसके बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, तो इसको थोड़ा राउंड कर देंगे, राउंड बाय 25 pixels। ओके, सो ये राउंडेड लुक थोड़ा बेटर लग रहा है
और इस पे थोड़ा एक हवर का इफेक्ट भी डाल देते हैं, थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो में, ज़बरदस्ती स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ सीएसएस के थ्रू। आई गेस मुझे बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहिए था, तो हम स्टाइलिंग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक हवर का यूज़ कर रहा हूँ, एंड हवर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, बस इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे, ओपेसिटी 0.8। और यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। देखिए, मैं जब भी इसके ऊपर आऊँगा तो इस तरीके से ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं इस पे कर्सर पॉइंटर डाल देता हूँ, तो पॉइंटर कर्सर डाल दूँगा तो इस तरीके से, व्हाट, ओके चेंज हो गया, वही बोलूँ पॉइंट आया क्यों नहीं पॉइंटर। सो कर्सर पॉइंटर, देन मैं इसके ऊपर आऊँगा तो ऐसे क्लिक करने का आइकन आ जाएगा। और ये फ़िलहाल जिस तरीके से हो रहा है वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। सो ट्रांजिशन ओपेसिटी पे हमको ट्रांजिशन ऐड करना है फॉर 250 मिली सेकेंड्स, एंड देन आई गेस लीनियर ओपेसिटी पे लीनियर अच्छा लगता है। सो ये देखिए अभी थोड़ा स्लो से हो रहा है, सो दिस इज़ मच बेटर। सो या, और फिर अब क्या करते हैं, अभी आई गेस हमको अपना एपीआई इसके अंदर ऐड कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, आईपी एड्रेस लुकअप करना। सो हमको क्या करना होगा, अभी हमको आई कोई एक एपीआई को यूज़ करना है तो हमको अपना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा। सो सबसे पहले हमको एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, तो एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आप फेच का भी यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, बट मुझको एक्सियस थोड़ा पसंद है, सो मैं एक्सियस यूज़ करूँगा। सो एक्सियस का सीडीएन पे जाते हैं और एक्सियस को लिंक कर लेते हैं यहाँ से। ओके, सो मैं यहाँ से इसका स्क्रिप्ट टैग कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड अपनी एचटीएमएल में जाता हूँ और अपने ऐप जेएस के ऊपर इस स्क्रिप्ट टैग को लिंक करके सेव कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव एक्सेस टू एक्सियस इन आवर ऐप जेएस, यहाँ पे हमको एक्सियस हम यूज़ कर सकते हैं। सो जो एपीआई था वो कौन सा था, ओके इसकी यूआरएल ये है, इसकी यूआरएल चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, बहुत ही छोटा है। सो या, तो मैं सबसे पहले मुझको क्या करना होगा, इस एपीआई पे एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, तो ये रिप्लाई में मुझको ये जेसन डेटा रिटर्न देगा जिसमें आईपी एड्रेस एंड ऑल सब कुछ होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैं एक गेट रिक्वेस्ट भेजूँगा इस एपीआई पे, एंड यहाँ पे हम यूआरएल डाल देते हैं। यूआरएल चाहिए तो आप अलग से एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, बहुत छोटी सी यूआरएल है इसलिए मैं यहीं डाल देता हूँ। सो एक गेट रिक्वेस्ट में भेज देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद हम डॉट डेन वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो अगर आपको अवेट वाला सिंटैक्स यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, सो इसीलिए वही मैं यहाँ पे डॉट डेन का सिंटैक्स यूज़ कर लेता हूँ। देन वी विल ऐड एरो फंक्शन डॉट डेन। सो सबसे पहले देख लेते हैं हमको रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, मैं कॉन्सोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर देता हूँ कि हमको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। सो ये मैंने सेव कर दिया, और अभी हम यहाँ जाते हैं, मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग किया तो मुझे अपना जो रिज़ल्ट है वो कॉन्सोल में मिलेगा। सो कॉन्सोल में चले जाते हैं, सो कॉन्सोल में चले जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, एरर आ गया हमको एक, वाई जो मेरा एड ब्लॉकर है वो ब्लॉक कर रहा था उसे, तो मैंने अपने एड ब्लॉकर को स्टॉप कर दिया। तो देखिए अभी हमको यहाँ कॉन्सोल लॉग में हमारा डेटा हमको मिल गया है। सो या ये रिस्पॉन्स हमको वापस आया, रिस्पॉन्स में हमको डेटा चाहिए। सो यहाँ डेटा में आप देख सकते हो यहाँ पे मुझको मेरा आईपी एड्रेस एंड ऑल इसने रिटर्न किया है। वेयर इज़ द आईपी एड्रेस, आई कैंट सी इट, ओके यहाँ है आईपी एड्रेस हमको यहाँ दिख रहा है। सो ये डेटा हमको मिल गया है, अभी बस इस डेटा को हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, और वो कब डिस्प्ले करना है, जब हम इस लुकअप बटन पे क्लिक करेंगे तब हमको डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमको उस लुकअप बटन को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ लुकअप BTN लुकअप बटन, एंड देन विल सेलेक्ट इट थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, कम ऑन क्वेरी सेलेक्टर, ओके सो क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे इसे, एंड देन मैंने इसको क्या क्लास दिया था देख लेते हैं एक बार, व्हाट वाज द क्लास, लुकअप बटन। सो ओके, तो इसके थ्रू हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लुकअप बटन सेव। देन मेरे को उसके क्लिक इवेंट पे करना है कि जब कोई बटन को वह क्लिक करे तब उसको उसका आईपी एड्रेस दिखाए। सो हमको यहाँ पे क्लिक इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा, सो वो कर लेते हैं, लुकअप BTN ऐड इवेंट लिसनर, देन क्लिक, क्लिक पे हमको एक फंक्शन रन करना है। सो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देंगे, अगर आपको ये नहीं पता है एरो फंक्शंस तो आप यहाँ पे नॉर्मल जो फंक्शंस अगर आपने देखा होगा तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, दोनों भी सेम है दोनों, तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो जो आपको यूज़ करना
करना हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस ये यूज़ करना बेट प्रिफर करता हूँ, सो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा। सो या सो क्या करते हैं, इस क्लिक पे हमको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अभी हमारी फ़िलहाल रिक्वेस्ट बाहर है, सो एक काम करते हैं इसको कट करके यहाँ अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाए, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तब रिक्वेस्ट सेंड होगी और हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो अब इस रिस्पॉन्स में जो डेटा हमको मिल रहा है वो हमको कॉन्सोल में नहीं डिस्प्ले करना है, हमको अपने यहाँ पे जो हमने H2 टैग्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर डिस्प्ले करना है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो सबसे पहले हमको अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस पर डिस्प्ले करना है तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, मैंने IP डिस्प्ले नाम की एक क्लास दिया है और लोकेशन डिस्प्ले नाम की एक क्लास दिया है। सो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, IP डिस्प्ले, देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे उसकी क्लास के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे IP डिस्प्ले, आई गेस यही नाम दिया था। और फिर लोकेशन डिस्प्ले को भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो हो गया, ऑटो कंप्लीट कर दिया मेरे लिए VS कोड ने, थैंक यू वेरी मच VS कोड। एक बार देख लेते हैं सही नाम है या नहीं। ओके सही नाम है। सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, अब बस हमको उसके अंदर डिस्प्ले करना है। सो डिस्प्ले कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले कॉन्सोल लॉक को हटा देते हैं। सबसे पहले हम अपनी IP एड्रेस डिस्प्ले कर देंगे। सो IP डिस्प्ले डॉट, यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर सकते हैं, वही कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर देते हैं और फिर मैं यहाँ पे बैक टेक ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। ये कि आप, अगर आपको ये नहीं पता है, न्यू फीचर जावास्क्रिप्ट का, सो आपके टैब के की के ऊपर अगर आप शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो आपको ये बैक टिक्स मिल जाएगी। देन इसके अंदर आप इस तरीके से कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। सो इस तरीके से हम IP एड्रेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो हमारा IP एड्रेस किसके अंदर है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर है, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर है, डेटा के अंदर IP के अंदर है। सो इस तरीके से हमको हमारा IP एड्रेस मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ स्टार्ट में IP भी लिख देता हूँ इस तरीके से। सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं एक बार क्या होता है। सो लेट्स रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव सर्वर है। सो लेट्स लुकअप, IP पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड देयर वी गो, वी हैव आवर IP एड्रेस ओवर हियर। अभी अब लोकेशन के लिए भी सेम करते हैं, लोकेशन किसके अंदर है। सो लोकेशन हमको क्या क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे सिटी एंड रीजन को मेंशन करता हूँ। आपको चाहिए तो आप और भी चीज़ें, नहीं मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिटी रीजन एंड कंट्री नेम को मेंशन करते हैं वो लोकेशन में। सो वो बेटर लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे हम लोकेशन डिस्प्ले को भी सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन डिस्प्ले, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू दिस बैक टिक्स, और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे सेम लोकेशन को हार्ड कोड कर देते हैं एंड यहाँ से हमारे API का डेटा एक्सेस करते हैं। तो वो किसके अंदर है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आई गेस सिटी। ओके फिर एक मैं यहाँ पे कॉमा ऐड कर देता हूँ एंड देन वापस से ये ओपन करते हैं ब्रैकेट्स यहाँ पे, और इसके अंदर हम वापस से लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। मैं इसको एक वेरिएबल में डाल देता तो ज़्यादा बेटर होता, बार बार रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिलहाल के लिए चलता है, कर लेंगे। सो नेक्स्ट चीज़ क्या थी, आई गेस रीजन। ओके देन एक फिर कॉमा देते हैं एंड देन ये वापस ओपन एंड क्लोज, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, व्हाट वाज इट, व्हाट, कहाँ गया, किधर गया, मिल भी जा, दिख क्यों नहीं रहा मेरे को। ओके सो आई एम ऑफिशियली ब्लाइंड नाउ, किधर गया। ओके कंट्री नेम उसी के ऊपर तो हाईलाइटेड है, फिर भी नहीं दिख रहा है मुझको कंट्री नेम। सो अभी देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं, लेट्स होप वी डोंट गेट एनी एरर्स। लुकअप IP, सो ये वर्क कर रहा है, वेरी नाइस। आई गेस हमको यहाँ पे जियो लोकेशन भी ऐड कर देना चाहिए, लेटिट्यूड एंड वॉट एवर एल्स इज़ दैट लॉन्जिट्यूड, सो वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एक और एक H2 ले लेता हूँ मैं, H2 यहाँ पे मैं वॉट आर वी डिस्प्लेइंग, सो मैं यहाँ पे खाली शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जियो, पूरा ही लिख देते हैं जियो लोकेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको एक क्लास दे देते हैं जियो डिस्प्ले, और ये फ़िलहाल ब्लैंक होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, सो ये ब्लैंक ही रहेगा। ओके सो इस पे कोई
वो नहीं है स्टाइलिंग, सो वो पहले हम ऐड कर देते हैं। यहाँ जाके अपने सीएसएस में जाते हैं, यहाँ से स्टाइलिंग कहाँ ऐड किया था हमने, यहाँ किया था। ओके, सो इसमें इसको बस पेस्ट कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं तो सेलेक्ट हो जाए। अब जाके देखते हैं। ओके, सो इसकी भी साइज़ बड़ी हो गई है, लेकिन हमारा जियो लोकेशन फ़िलहाल नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको जावास्क्रिप्ट में सेट नहीं किया है। सो पहले हम अपना जो डिस्प्ले करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जियो डिस्प्ले क्वेरी सेलेक्टर, हमने इसको क्या नाम दिया था, जियो डिस्प्ले आई गेस यही नाम दिया था। सो इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। अब बस यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देता हूँ तो आपको सारा बेटर दिखे। सो मैंने क्या नाम दिया, जियो डिस्प्ले। सो जियो डिस्प्ले के थ्रू इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस से टेक्स्ट कंटेंट एंड देन बैक टिक्स। ओके, अब मैंने पहले शायद पहले गलत बता दिया, शिफ्ट नहीं दबाना पड़ता है आपको बैक टिक्स के लिए, आप डायरेक्ट दबा सकते हो वो की तो आपको बैक टिक्स आ जाएगी, शिफ्ट दबाओगे तो ये वाला आइकन आ जाएगा, आइकन बोल रहा हूँ, सिंबल आ जाएगा। सो या सो यहाँ पे हमको क्या डिस्प्ले करना है, जियो लोकेशन डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पे लिख देते हैं जियो लोकेशन इस तरीके से, और हमारी जियो लोकेशन किसके अंदर है वो हमको देखना पड़ेगा। इतना तो हमको पता है, रिस्पॉन्स के अंदर, डेटा के अंदर है, एंड देन डेटा के अंदर हमको क्या चाहिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ओके, सो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, लैटिट्यूड एंड देन कॉमा देके इसको एक मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये कॉमा हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से लैटिट्यूड को हटा के लॉन्जिट्यूड डाल देते हैं। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं आता है या नहीं। ओके, कुछ हुआ नहीं, मैंने क्लिक किया, नथिंग इज़ हैपनिंग, आई गेस वी हैव एन एरर, लेट्स सी कॉन्सोल डॉट लॉग। ओके, कहीं पे मैंने ये ऐड कर दिया है, लेट्स सी कहाँ पे एरर है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं किया। ओके, ये एक्स्ट्रा एक और एक बार पेस्ट हो गया, ठीक है इसको रिमूव कर देते हैं, हमको ये दो ही चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सेव करते हैं, अब जाते हैं, अब रिफ़्रेश करके यहाँ पे लुकअप पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हमारी लोकेशन आ रही है। ये टेक्स्ट ब्लैक में मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका थोड़ा स्टाइलिंग भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं वाइट का, वाइट कलर। ओके, आई गेस ये बेटर है, अगर आपको ब्लैक बेटर लग रहा है तो आप ब्लैक भी लगा के रख सकते हो, मुझे आई गेस वाइट बेटर लग रहा है। और थोड़ी मार्जिन्स ऐड कर देते हैं आई गेस, सो इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, आई गेस 1 RAM शुड बी इनफ, सो 1 RAM की मार्जिन्स दे देते हैं। एंड ये क्या ओपन हो गया, सेव, आई गेस थोड़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम कर देते हैं मार्जिन, 0.8 RAMs। आप पिक्सल्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आप रैम्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो, गॉड आई कैंट स्पीक। सो यहाँ पे आप पिक्सल्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको रैम्स नहीं यूज़ करना है तो, मैं यहाँ पे रैम्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रैम्स यूज़ करने की आदत है। सो या ये इतना हो गया, इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। हम एक और एक चीज़ कर सकते हैं कि क्लिक करने पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। अभी वो पता नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी या नहीं, पता नहीं कितनी लंबी हो गई है, सो आई गेस वो ऐड करने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले के ऊपर एक इसको नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे हमने उसको कोई नाम नहीं दिया है तो एक नाम दे देते हैं इसको पहले। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेन कंटेनर के बाहर ही आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे एक H1 क्रिएट करता हूँ, इसको नाम हम कुछ भी दे देते हैं, IP लुकअप ऐप। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं, IP लुकअप ऐप, ओ ये क्यों ओपन हो रहा है, देन रिफ्रेश एंड यहाँ पे इसका नाम लिख के आ गया। सो इसको सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ पे H1 हमारे पेज पे एक ही है तो मैं एक डायरेक्टली ग्लोबल सेलेक्टर ही बना लेता हूँ, एक ही H1 है हमारे पेज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं डायरेक्टली H1 ऐसे सेलेक्ट कर लूँ तो। सो इसको टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर में, सेंटर, सो ये सेंटर में आ गया। थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं इस पर तो वो एकदम ऐसे चिपके हुए ना लगे ब्राउज़र से, 2 RAM शुड बी इनफ, सो ये 2 RAMs की मार्जिन आ गई है। मुझे शायद इस पर कोई एक अलग फॉन्ट ऐड करना चाहिए, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो एक न्यू फॉन्ट देख लेते हैं, कैटेगरीज, आई गेस इस पर हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स अच्छे लगेंगे,
लोड हो यार, ऐसे मत कर। One eternity later. तो फाइनली ये लोड हो गया है, तो हम अपना एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एक बार मैं चेक कर लूँ, एम आई रिकॉर्डिंग? ओके ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना पता चला अब तक के मैं बोलते जा रहा हूँ बस और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सो यहाँ से हमको कौन सा फॉन्ट चाहिए? ओके लेट्स सेलेक्ट अ फॉन्ट, येलो टेल। ओके ये येलो टेल फॉन्ट ले लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। सेलेक्ट स्टाइल, यहाँ से इसका लिंक ले लेते हैं, एंड जाके हमारे लिंक मतलब HTML में इसको लिंक कर देते हैं यहाँ पे, पेस्ट। ओके ओके हो गया। अब इसका फॉन्ट नेम क्या है? येलो टेल। ओके सो हमारे H1 को हम वो फॉन्ट दे देंगे, जाके हमारे CSS में जाते हैं। कहाँ गया हमारा CSS? ये ओके यहाँ पे इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं ये, और जाके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ओके ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है बहुत थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ठीक है देखते हैं, थोड़ा कुछ कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, फॉन्ट साइज 2 rems, ओके 2.5 rems, ओके मच बिगर 2.8 rems, सेव नहीं किया, 2.8 rems, ओके आई गेस ये थोड़ा बेटर लग रहा है अभी। और अभी यहाँ से हम थोड़ी मार्जिन कम कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज़ बढ़ा दिया है तो ओके ये बेटर है आई गेस। आपको कोई दूसरा फॉन्ट ट्राई करना है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, मेरे को ये बेटर लग रहा है। मैं इसका चाहिए तो एक बार फॉन्ट वेट थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा थिन हो गया। फॉन्ट वेट 600 700 600, ओके 600 इज़ गुड। सो ये मुझे अभी ऐसे बेटर लग रहा है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अभी पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हुई है, बट हम फिर भी वो लोडिंग के फीचर को ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम CSS एनिमेशन का यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आई गेस इसके बाद वही वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ CSS एनिमेशन के लिए। सो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सो ऐड करते हैं लोडिंग की स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करने पर थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़े टाइम के लिए हम लोडिंग स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। अब जिसकी इंटरनेट की स्पीड स्पीड ज़्यादा स्लो होगी तो वो रिक्वेस्ट जाने में और टाइम लगेगा। वो टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ये URL पे एक्सियोस गेट के थ्रू, इसीलिए वो टाइम लगता है कि रिक्वेस्ट सेंड होकर रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगता है। सो यहाँ पर मैं एक लोडिंग ऐड कर देता हूँ। लोडिंग के लिए एक मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, डिव इसको एक क्लास देते हैं लोडर नाम से। सो दिस इज़ आवर लोडर। अभी यहाँ जाके देखेंगे तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि लिए कुछ कंटेंट हमने उसके अंदर डाला नहीं है। सो हमारा लोडर को क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ के टॉप पे ही क्रिएट कर देता हूँ मैं लोडर को यहाँ पे। सो लेट्स सेलेक्ट दैट लोडर क्लास, और उसको एक विथ दे देते हैं 15 pixels में भी, 15 pixels की विथ, और हाइट दे देते हैं 30 pixels की, और उसको बैकग्राउंड दे देते हैं एक कोई बैकग्राउंड चाहिए, अच्छा सा कलर चाहिए, जो कौन सा कलर दे देते हैं इसे। मैंने उस कलर की वेबसाइट बंद कर दिया। ओके ठीक है, तो हम वापस से कलर की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से कोई एक लोडिंग के लिए कलर ले लेते हैं। वैसे हमारी वेबसाइट में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, बट छोटा सा प्रोजेक्ट है तो चलता है। यहाँ पे मैं मेरे को लोडिंग के लिए वाइट ही आई गेस सही रहेगा, ये टाइप का वाइट ले लेते हैं यहाँ से, एंड देन ये बैकग्राउंड में इसको दे देते हैं, एंड देन यहाँ आके देखते हैं तो ओके ये आ गया है। ये थोड़ा थिक लग रहा है, इसको थोड़ा और थिन कर सकते हैं हम आई गेस, जूम आउट की हो गया। सो इसको थोड़ा मैं और थिन कर देता हूँ यहाँ पे आके, आई गेस दिस इज़ मच बेटर। थोड़ा और लंबा भी हो सकता है, 35 pixels, ओके दिस इज़ मच बेटर। सो यहाँ पे मैं और एक ही नहीं चाहिए मुझे, ऐसे तीन चाहिए लोडर्स, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। सो 3 loaders, ओके ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। ओके मैं इसके अंदर आके 3 divs क्रिएट कर लेता हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे ये लोडर वाली क्लास को यहाँ से रिमूव करके ये तीनों पे दे देता हूँ, ये तीनों पे दे दिया। अब जाके देखते हैं, सो 3 आ गए हैं, वो एक के नीचे एक आ गए हैं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे बाजू बाजू में चाहिए वो। तो मैं यहाँ पे बाजू वाले जो उसका पेरेंट कंटेनर है उसको एक नाम दे देता हूँ, मैं पेरेंट डिव को नाम दे देता हूँ लोडर कंटेनर,
सो लोडर कंटेनर की क्लास को कॉपी कर लेते हैं, इसका एचटीएमएल को पहले सेव कर लेते हैं, सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे लोडर कंटेनर की क्लास को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, सो डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, सो ये बाजू बाजू में आ गए। थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं यहाँ पे लोडर पे, इंडिविजुअल लोडर्स पे हम जो इंडिविजुअल लाइंस है उन पे मार्जिन ऐड कर देते हैं, तो हमको थोड़ा स्पेस दिखेगा सबके बीच में। सो यहाँ पे स्पेस आ गया, थोड़ी ज़्यादा आ गई है, आई गेस थोड़ा कम कर देते हैं 4 पिक्सल्स आई गेस। सो ये बेटर है आई गेस, अभी ये ऐसा सड़ा हुआ लोडर तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, जो बस ऐसे ही स्टिल है, तो हमको इस पर लोडिंग की एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। सो सीएसएस एनिमेशन का यूज़ करते हैं, सबसे नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे ही एनिमेशन क्रिएट कर देता हूँ। एनिमेशन सीएसएस में क्रिएट करने के लिए हमको ये की फ्रेम्स का यूज़ करना पड़ेगा और फिर हमको एनिमेशन का नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन का कोई भी नाम दे देता हूँ, लोडिंग नाम दे देता हूँ, देन फ्रॉम, देन टू, सो फ्रॉम मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको मैं एनिमेट करने वाला हूँ। सो स्केल यानी हम उसको बड़ा छोटा करेंगे, सो वो ट्रांसफॉर्म स्केल के थ्रू हम कर सकते हैं, तो स्केल 1, ओके, सो उसका साइज़ जो नॉर्मल साइज़ से 1.3 स्केल होगा हमारा ये जो लोडर है। अभी फ़िलहाल उस पर कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मैंने एनिमेशन प्रॉपर्टी ऐड नहीं किया हूँ हमारे लोडर्स पे। सो मैं यहाँ लोडर पे आता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी को ऐड कर देता हूँ। एनिमेशन प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा उसका, सो यहाँ पे नाम दे देता हूँ, नाम दे दिया, देन 1 सेकेंड शायद कि हमारी एनिमेशन 1 सेकेंड तक के चलनी चाहिए। सो ईज इन एंड आउट दे देते हैं उसके इफ़ेक्ट के लिए, और मेरे को ये हमेशा चलानी है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोडिंग की एनिमेशन चलती ही रहनी चाहिए, 1 सेकेंड होने के बाद रुक नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनफाइनाइट दे दूँगा। एंड देखिए अभी ये यहाँ पे ऐसे लोड हो रहा है, लेकिन अभी देखिए ये कैसा हो रहा है, बड़ा हो के नीचे वापस चला जा रहा है, जंप कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्टरनेट ऐड कर देता हूँ, अल्टरनेट सेव, देन लेट्स सी, देखिए अभी कैसा बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, सो अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसी भी लोडिंग स्क्रीन मेरे को नहीं अच्छी लग रही है कि सब एक साथ में हो रहा है, मुझे चाहिए कि सब अलग अलग हो। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सबको अलग अलग क्लास दे देता हूँ, लोडर 1, लोडर 2, लोडर 3 ऐसे दे देता हूँ, और फिर यहाँ पे आके सीएसएस में उसको सेलेक्ट करेंगे हम, लोडर 1, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं, लोडर 1, 2, 3। ऐसे आप अलग अलग क्लास यूज़, ऐसे अलग अलग 3 डिव्स यूज़ करने की जगह आप बिफोर एंड आफ्टर सेलेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने सिंपल रखने के लिए यहाँ पे ये यूज़ किया है डायरेक्टली डिव्स। तो क्या करते हैं अभी यहाँ से एनिमेशन निकाल देते हैं सब पे से और सबको इंडिविजुअल एनिमेशन देते हैं। सो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सब पे मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी आप देखोगे सब साथ में ही चल रहे हैं क्योंकि मैंने सब पे सेम एनिमेशन ऐड किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब पे थोड़ा डिले ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट वाले पे कोई डिले ऐड नहीं करेंगे एनिमेशन का, यहाँ पे मैं 0.5 सेकेंड्स का डिले ऐड कर देता हूँ, तो पहले ये स्टार्ट हो जाएगी और ये वाली 0.5 सेकेंड्स रुक के स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है, आई गेस ये बेटर है। अगर ये थर्ड वाले पे भी अगर हमको चाहिए तो हम डिले ऐड कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग टाइम पे चलेंगे। सो ये आई गेस ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो ये लोडिंग आ गई, लेकिन हमको लोडिंग अभी क्या करना है, फ़िलहाल अभी लोडिंग नहीं दिखाना है, हम जब कोई लुकअप आईपी पे क्लिक करेगा तब लोडिंग दिखाना है, और जब हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तब हमको लोडिंग हाइड कर देना है। सो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सो हम अपने जावास्क्रिप्ट में हमारा ये मेन कंटेनर जो है, इसको मेन कंटेनर नहीं, ये लोडर कंटेनर है, उसको हम जाके सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सीएसएस में आते लोडर कंटेनर में हम यहाँ पे इसके डिस्प्ले को नन कर देते हैं। सो देखिए वो हाइड हो गया। सो अब हम उसको जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तब हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में आके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लोडर नाम दे देते हैं अपने वेरिएबल को, और उसको सेलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लोडर का पूरा कंटेंट है, कंटेनर है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो मेरे को क्या करना है, जब कोई बटन पे क्लिक करे तो वो जो वो लोडर है वो डिस्प्ले हो जाए, और जब अपने रिजल्ट्स आ जाए तब वो हाइड हो जाए।
एंड आई गेस हम ये भी पूरा कंटेनर को हाइड कर सकते हैं जब कोई लुकअप आईपी पे क्लिक करे, सो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इसको डिस्प्ले कर देता हूँ लोडर को, सो लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, आईपी डिस्प्ले कहाँ से आ गया और ये क्या आ गया, स्टाइल स्टाइल, और मुझे स्टाइल में डिस्प्ले सेट करना है इक्वल्स टू फ्लेक्स। ओके सो लेट्स सी आता है या नहीं। सो देखिए वो क्लिक करने पे ये आ गया, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद भी वो लोडिंग वहीं रह रही है, मेरे को वैसा नहीं चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हो रही है ना, और रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद यहाँ पे हमको डॉट देन में जब हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है तब ये फंक्शन रन हो रहा है। तो जब हमको रिस्पॉन्स मिल गया है तब हम अपनी लोडिंग को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ डॉट डिस्प्ले में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसको एक फंक्शन में भी ऐड कर सकते थे थोड़ा क्लीन लुक देने के लिए, मैंने सब इसके अंदर ही यही फंक्शन के अंदर कर दिया है, बट ठीक है। सो यहाँ पे मैं वापस से डिस्प्ले को नन कर देता हूँ। सो सेव, एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे आके लुकअप पे क्लिक। सो वो लोडिंग आई चली गई, बट ये मेरे को हाइड करना है, ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि लोडिंग आ रही है और नीचे वो रह रहा है सब जो हमारा डमी टेक्स्ट है, तो उसको हटा देते हैं। सो उसको हटाने के लिए लेट्स सी, हमने उसको कोई कंटेनर में डाला है, तो सीधा कंटेनर के डिस्प्ले को नन कर देंगे। ओके सो वो मेन कंटेनर के अंदर है, बट हमारा लोडर भी मेन कंटेनर के अंदर ही है। ओके ठीक है, तो मैं इसको एक अलग से एक डिव बना देता हूँ उसके लिए। इस डिव का नाम देंगे हम डिटेल्स, डाल देते हैं केवल हम सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। सो मैंने ये डिव कहाँ क्रिएट किया है देख लीजिए, ये लोडर कंटेनर जो मैंने क्रिएट किया था उसके नीचे ही, यानी मेन कंटेनर के अंदर ही मैंने एक और एक डिव क्रिएट किया है, और इसके अंदर हम अपने सारे जो एच टूज है उसको कट कर लेते हैं और इसके अंदर दे डाल देते हैं। सो यहाँ जाके देखते हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं, बस खाली ये टेक्स्ट अलाइन सबका लेफ्ट हो गया है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे डिव में डाल दिया है एक, इसीलिए। सो अगर आपको जाके चेंज करना है, टेक्स्ट अलाइन मिड में ही चाहिए था तो वो भी आप कर सकते हो, मेरे को ये ऐसे बेटर लग रहा है फ़िलहाल, तो मैं उसको चेंज करने के लिए बॉदर नहीं करूँगा। सो जाते हैं यहाँ पे अपने ऐप में, ऐप डॉट जे एस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, यहाँ पे हमारे डिटेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसको मैंने नाम दिया था डिटेल्स की क्लास, तो यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे डिटेल्स। तो अभी हमको क्या करना है, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको ये जो एच टूज़ है हमारे वो हाइड कर देने हैं। सो उसके लिए सेम हम यहाँ पे आएंगे और अपने डिटेल्स को सेलेक्ट करेंगे, डिटेल्स डॉट स्टाइल डॉट डिस, ये सिस कहाँ से आ गया, डिस्प्ले को नन कर देंगे यहाँ पे, डिस्प्ले को हमने यहाँ पे नन कर दिया। सो वो हाइड हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार, मैं लुकअप पे क्लिक किया वो हाइड हो गया, लेकिन अभी हमने उसको वापस भी दिखाना पड़ेगा रिजल्ट्स मिलने के बाद, सिर्फ हाइड करके नहीं चलेगा, जब रिजल्ट्स मिल गए तो हमको वापस उसको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लोडर के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है उसमें आके इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले ब्लॉक दे देंगे वापस। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश हो गया। ओके यहाँ पर आके इसको कर लेते हैं लुकअप, और ये देखिए ये इस तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लोडिंग आई, और जब मेरा रिस्पॉन्स आया लोडिंग चली गई और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। अगर आपको चाहिए कि इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, आपको सेंटर ही अच्छा लग रहा था, तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ कहीं नीचे आके यहाँ पे कहीं भी आप डाल सकते हो अपनी स्टाइल को, डिटेल्स में आके टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस तरीके से कर सकते हो, रिफ्रेश। सो ये यहाँ पे पहले जैसे सेंटर में आ गया। सो आई गेस ये प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश हो गया है, ये आई गेस छोटा सा बहुत प्रोजेक्ट था, इनफ था और थोड़ा फन था, आप चाहिए तो इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो एज अ बिगिनर प्रोजेक्ट को। सो या आई गेस आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने डेवलपर फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्रामिंग की वीडियोस अपने चैनल पर डालता ही रहूँगा। सो सब्सक्राइब कर दो, सो यू विल नॉट मिस इट। सो या आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।